23 देखिए क्या कह रहा है कि इफ द पॉइंट, ये 4 पॉइंट दिए हैं, ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स है ना, तो फाइंड द एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई निकालना है। चलिए देखते हैं, हम लोग एक पैरेललोग्राम पहले यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर इस तरह से ये पैरेललोग्राम बना लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ए बी सी डी। और यहाँ देखिए इसका कोऑर्डिनेट दिया -2 -1 1 0, सी क्या x3 और डी क्या यहाँ 1 y। अब इसके डायगोनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का वो बाइसेक करता है एक दूसरे को, यानी कि जब ये बाइसेक करेगा तो इसका मिड पॉइंट वो हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट वो हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लेते कि लेट ए -2 -1, बी जिसका कोऑर्डिनेट है 1 0, सी जिसका कोऑर्डिनेट है x3 एंड डी जिसका कोऑर्डिनेट है 1 y आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं कि वी नो दैट द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को ये बाइसेक्ट करते हैं, तो जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी, समझे ना। तो हम लोग यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं, दोनों का जो मिड पॉइंट सेम ही होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं -2 + x/2 - 1 + 3/2 इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा 1 + 1/2 और y + 0/2, ठीक है। अब इसके बाद देखिए -2 + x/2 यहाँ 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा, यहाँ 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा और यहाँ y/2, तो इक्वेट कर देते हैं x कोऑर्डिनेट x के y कोऑर्डिनेट y के, तो -2 + x/2 = 1 और 1 = y/2, तो यहाँ से -2 + x = 2 यानी x का वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगा और y के वैल्यू 2, देयरफॉर x = 4 हो गया, y = 2 हो गया, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर